पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू आकर इमरान खान की ताजपोशी से वापस आ ही गए। इस मौके आर्मी चीफ के साथ गले मिलने और बैठने को लेकर उन्होंने कहा कि वह यहाँ मेहमान के तौर पर गए थे तथा जहाँ उनके बैठने की जगह मुकर्रर की गई थी उन्हें वहीं बिठाया गया। उन्होंने कहा वह वहाँ पर प्यार का पैगाम लेकर गए थे और प्यार लेकर ही वापस आए हैं, जो मर्जी बातें करता रहे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं आज जब सिद्धू वापस पहुंचे तो पगड़ी संभाल जटा संस्था की ओर से उनके खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि देश की सरहदों पर तैनात जवान पाकिस्तानी आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हो रहे हैं। वहीं सिद्धू पाकिस्तान आर्मी चीफ के साथ गले मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहीद के परिवारों को मिलने के लिए सिद्धू के पास समय नहीं है और पाकिस्तान में आर्मी चीफ के साथ गले मिला जा रहा है। दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि वह आर्मी चीफ ने उन्हें कहा था कि 550 साल मनाने के लिए रास्ता खोल दिया जाएगा। वह उनसे बात कर रहे थे, वही वह वहाँ प्यार लेकर गए थे और प्यार लेकर वापस आए हैं। मैं पाकिस्तान से माला माल होके आया। लोग उसे सिर्फ धन दौलत से तोलते हैं, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ी दौलत होती है प्यार मोहब्बत और मान सम्मान की दौलत। इस दौलत से बड़ी दुनिया में कोई दौलत नहीं। ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि हम दोस्त की हैसियत से वहां गए थे। ते ननकाणा साहब दे लांगे दी गल जड़ी पवां जरनैल साहब हों ते होरां ने जड़ी कीती है उहदे नाल मैनूं बड़ा मेरा विश्वास वधिया। जिथे मैं गया है तुसीं मेहता साहब नूं पुछो, जो दो दिन में हुआ है शायद मेरी जिंदगी सारी उम्र में मुझे ना मिला हो जो इन दो दिनों में मुझे मिला। बार्डर के शहीद हो रहे हैं, उन्हें घर के जा नहीं सकया। इतने अमृतसर भी शहीद होया, उसके घर जा नहीं सकया। तो इतों दूर जाके जिन्हें शहीद किए उन्हें जफ्फियां पा रहे हैं। असं इस करके ये हिंदुस्तान का गदार है, इस करके असं इतने विरोध करने आए हैं। करतारपुर का नंगल सेंटर कर करके एक पंजाब का मंत्री करतारपुर नंगल कि कर सकता है? असं ये कहने हिंदुस्तान डिमांड करते हैं कि नवजोत सिद्धू जो ना वो पहला पंजाब के मंत्री पद तो रिजाइन करे, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਫੀ ਪਾਵੇ? ਜਾਗਤੀ ਲਹਿਰ ਕੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਅਮਨ ਮਹਾਲ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।